सबसे पहले आप दोनों को कांग्रेचुलेशन आपके नए शो के लिए. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे लज्जा के लिए जो शो है, क्या पूरा स्टोरी होने वाला है? स्टोरी तो नहीं बताएंगे क्योंकि, बट यही बताएंगे कि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है. ऑल काइंड ऑफ आपको बहुत सारी रिलेशनशिप देखने को मिलेंगी और हमारा जो भी है जो लव स्टोरी जैसे जाएगी, अभी तो नोक झोंक है शुरू की, जो लड़ाइयाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी. एंड इट्स फन. द होल पॉइंट इज कि आप लोग इंटरटेन हो, आप लोगों को मज़ा आए, तो उसी के लिए कोशिश हम कर रहे हैं. ईशानी कुलकर्णी एक बहुत सिंपल लड़की है, महाराष्ट्र है, जो रहती है दिल्ली में, सो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट इन इटसेल्फ. एंड चैलेंजेस लेती है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो चाहती है कि वो आई बाबा को वो सब दे जो उनके पास नहीं है. शिव धूपर द गाय आई एम प्लेइंग, इनका ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी पावरफुल, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ खैरात में मिल गया, जो कुछ भी उनके पास है उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है और इस बात का उन्हें बहुत घमंड भी है. जो सही है नहीं है वो नहीं बताया, बट है उन्हें बहुत घमंड है. बट एट ऑन द कोर जो भी कुछ वो करते हैं वो सिर्फ इसलिए करती हैं कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें खुश रख सकें, उन्हें कुछ मांगना ना पड़े, मांगने से पहले वो उन्हें दे दें. तो आई थिंक दीज आर द गुड थिंग्स, बट येस गुस्सा और एटीट्यूड बहुत है. ईशानी और तनीषा के एस्पिरेशंस सेम है बट पर्सनैलिटी अलग है. आई वुड से कि यस, जो कोर आइडियोलॉजी है कि फैमिली को खुश रखो और काम पे फोकस करो, वो सेम है. द वे वी गो अबाउट इट इज क्वाइट डिफरेंट.